वीडियो पूरी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली उर्दू हिंदी वीडियोस आप तक सबसे पहले मौसूल हो सके। पुराने जमाने में कुछ जानवरों ने एक जलसा किया और तय किया कि वो दूसरे जानवरों से अलग होकर अपनी सरकार बनाएंगे। इस जलसे में गधा, शेर, हाथी और खरगोश पेश थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी फौज बना ली। उस फौज का कमांडर एक गधे को बनाया गया। वो बहुत अकलमंद समझा जाता था, इसलिए हाथी या गैंडे की बजाय उसे सरदारी दी गई। इस गधे की एक खास बात ये थी कि इसके सर पर कान से ऊपर नोकीले सींग लगे हुए थे। जंगल के तमाम जानवर गधे के नोकीले सींगों से डरते थे। गधा शेर के बहुत सारे काम करता था। इसके शिकार किए हुए जानवरों का भारी बोझ उठाकर इसके घर पहुंचाया करता था। शेर इससे बहुत खुश रहता था, जिसकी वजह से सारे जानवरों पर इसका रोब था। लेकिन उन जानवरों में जराफा ऐसा था जो गधे को खातिर में नहीं लाता था। उसे अपनी तवीलुल कामती पर बहुत घमंड था। जब गधे को जंगल की फौज का कमांडर बनाया गया तो जराफा को बहुत सदमा हुआ और वो उससे और ज्यादा खार खाने लगा। दूसरी तरफ गधा भी उससे नफरत करता था, लेकिन उसके लंबे कद की वजह से उससे दूर रहता था। दोनों की दुश्मनी खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन खामोशी से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहते। गधे की एक खसूसियत ये भी थी कि वह दूसरे जानवरों की बनिस्बत पढ़ा लिखा था। सुबह सवेरे जानवरों को परेड कराने के बाद इन्हें पढ़ाने बैठ जाता। जंगल में मुख्तलिफ इलाकों के जानवरों के दरमियान हर साल कुश्ती के मुकाबले होते थे। इस मर्तबा शेर से इजाजत लेकर गधे ने भी अपनी टीम मैदान में उतार दी। तीन टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। गधे की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। गधा खुद अपनी टीम के साथ मैदान में उतरा। इसने इस तरह सींग चलाए और ऐसी दौलतियां झाड़ी कि सब परेशान हो गए। इस कामयाबी से शेर के दिल में इसकी अहमियत और बढ़ गई, लेकिन अब गधे के दिल में गरूर और तकब्बुर पैदा हो गया था। इसने बात बात पर जानवरों को सताना शुरू कर दिया। जानवर काफी अरसे तक बर्दाश्त करते रहे। आखिर उनकी तरफ से जराफा शिकायत लेकर बादशाह के पास पहुंचा। शेर ने गधे को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो गरूर के नशे में ऐसा चूर था कि उसने बादशाह की बात भी नहीं मानी। वो इसी तरह सींग मारता रहा और जानवरों को जख्मी करता रहा। बादशाह के पास जराफे के जरिए बराबर शिकायतें पहुंचती रहीं। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास खुद गए और उससे कहा कि अगर गधे को लगाम ना दी गई तो वो सब ये इलाका छोड़कर किसी और इलाके में अपना ठिकाना बना लेंगे। अब तो शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने गधे की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। गधे को गिरफ्तार कर शेर के सामने पेश किया गया। उसने हुक्म दिया कि गधे के सींग जड़ से काट दिए जाएं। फिर क्या था, जराफा को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया। इसने अपनी लंबी लंबी टांगों से गधे को जकड़ लिया, जबकि लोमड़ी और रीछ समेत तमाम जानवरों ने इस पर हमला करके इसके सींगों को जड़ से उखाड़ दिया। गधा तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो उसके सर से सींग गायब हो गए थे, जिन पर गुरूर करते हुए इसने तमाम जानवरों की जिंदगी अजीरन बना दी थी। उस दिन से लेकर आज तक गधे के सर पर सींग नहीं उगे।